आज हम लिखेंगे 26 जनवरी पर भाषण, यानी गणतंत्र दिवस पर भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य अध्यापक व मेरे दोस्तों आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हम सभी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे में मेरा कर्तव्य है मेरे लिए सम्मान की बात होगी कि मैं गणतंत्र दिवस पर अपनी बात रखूं। हर साल हमारे देश में छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय इतिहास में
विशेष स्थान रखता है। छब्बीस जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम बहुत ही उत्साह और गर्व के साथ मनाते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर की समिति ने जो संविधान तैयार किया उसे संविधान द्वारा छब्बीस नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और इसे देश में छब्बीस जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया।